हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी एंड फोटोशॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो फिल्टर है स्कीम फाइनर, तो स्कीम फाइनर की मदद से हम इस इमेज में किस तरह से रिटच करते हैं और उसको किस तरह से एनहांस करते हैं, ये आज हम देखेंगे। और आज हम जो स्कीम फाइनर का जो प्लग इन यूज करते वो हमारा सबसे लेटेस्ट अपडेट वाला स्कीम फाइनर है। तो यहाँ पे इस इमेज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोशॉप में हमने ओपन किया है और यहाँ पे लेयर पैनल में एक ही लेयर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में आपको यहाँ पे फोटो टूल बॉक्स और इसके अंदर आपको स्कीन फाइनर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कीन फाइनर यहाँ पे ओपन हो गया है और स्कीन फाइनर का जो लेटेस्ट वर्जन है स्कीन फाइनर 5.0 ये आप यहाँ पे देख सकते। तो इसको किस तरह से यूज करते ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, अगर आपको मास्क में चाहिए तो यहाँ पे मास्क ऑन कर दो और यहाँ पे इस मास्क को भी आप ऑन कर दो, जिससे आप क्या होगा कि आप जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो आपको एक अलग से लेयर में यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीसेट दिए हैं बाय डिफॉल्ट, आप एक एक करके इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइटनिंग का भी एक अच्छा प्रीसेट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हाई, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे दूसरा है मीडियम और यहाँ पे है मेन। तो इस तरह से भी आप प्रीसेट एक एक करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल डिफॉल्ट कर लेता हूँ। डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सामने प्लस मिलेगा, मतलब आप अगर मैन्युअली कोई एडजस्टमेंट के यहाँ पे कर रही तो यहाँ पे ये सभी एडजस्टमेंट अगर आपको प्रीसेट के रूप में सेव करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते। यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप जो भी प्रीसेट है आप इसको रीनेम कर सकते, डिलीट कर सकते, सेट एज डिफॉल्ट कर सकते, अप्लाई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे रिसेट का बटन दिया है, जो भी आप एडजस्टमेंट करेंगे तो सभी एडजस्टमेंट यहाँ पे रिसेट हो जाएंगी। और सबसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये व्यू यहाँ पे दिया है सिंगल व्यू, ये दो स्क्रीन में आपको साइड बाय साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक अप एंड डाउन का व्यू दिया है, तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड वाला लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जूम का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिट, यहाँ पे फिल, यहाँ पे 1:1, यहाँ पे 1:2, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं और यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक स्किन कलर का बड़ा सा एक बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको स्किन को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में आपको एक मास्क का एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक कलर से फिल हुआ है। यहाँ पे जो कलर ब्लैक है इसका मतलब यहाँ पे वो सभी एरिया यहाँ पे हाइड है और जो कलर यहाँ पे दिख रहा है वो एरिया यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं जो भी एडजस्टमेंट इस साइड में करूंगा वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे आई ड्रॉपर दिया है, तो यहाँ पे मैं एक आई ड्रॉपर यहाँ से लेता हूँ और किसी भी एक कलर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं स्किन कलर यूज कर रहा हूँ और ये स्किन पे अच्छा काम करते हैं तो मैं स्किन कलर ही यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैं एक कलर यहाँ पे सिंगल कलर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे आ गया। अगर मुझे इस कलर में और कलर ऐड करने स्किन के तो यहाँ पे मैं प्लस क्लिक करूंगा और यहाँ पे जितने भी स्किन के कलर है मैं यहाँ पे ऐड करता रहूंगा। तो जैसे ये सब कलर इसमें ऐड हो जाएंगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये हमारा स्किन का मास्क यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे और कलर हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका रेडियस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये स्क्वायर बड़ा होता दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो मास्क है यहाँ पे इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये आपका मास्क यहाँ पे रेडी हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप टॉलरेंस इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी टॉलरेंस का जो सेटिंग आप कम ज्यादा करेंगे तो वही सेटिंग वही आपको यहाँ पे कम ज्यादा होता हुआ यहाँ दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फेदर दे सकते हैं, यहाँ पे ओपेसिटी, इतना होने के बाद यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट यहाँ से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथिंग का अमाउंट है, यहाँ पे आप स्मूथिंग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक फाइन ऑप्शन है, यहाँ पे फाइन डिटेल आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मीडियम, जो भी जो पिंपल्स है ये मीडियम कोर्स, तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे मैंने सभी स्लाइडर राइट की तरफ लेके गया और यहाँ पे कोर्स आप एडजस्ट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद ये बैलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट साइज है वो आप ऑटो ही रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आओ, जैसे आप अगर आपका स्लाइडर बहुत बड़ा हो रहा है तो सिंपल आप यहाँ पे ट्रायंगल पे क्लिक करो तो ये कम होगा। यहाँ पे स्किन इनपरफेक्शन है तो यहाँ पे आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रेडनेस अगर ज्यादा दिख रहा है स्किन में तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे येल्लो ब्राइटनेस, येल्लो तो इसका भी आप यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे स्किन टोन है तो यहाँ पे स्किन टोन में आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एडजस्टमेंट मिलेंगी, तो यहाँ पे आप ह्यू एडजस्ट कर सकते हैं स्किन का, किस तरह की स्किन आपको चाहिए। थोड़ी सी पिंक में चाहिए तो आप पिंक ले सकते हैं। यहाँ पे स्किन को आप सैचुरेट डिसैचुरेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्किन को ब्राइटनेस डार्कनेस कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे शैडोज, यहाँ पे हाईलाइट, और यहाँ पे जो भी आप सेटिंग करेंगे ये सेटिंग आप चाहे तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसको स्नैपशॉट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्नैपशॉट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जितना भी काम करेंगे इससे भी ये हिस्ट्री के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसको आप जैसे आप इस ट्रायंगल को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पैनल अगर आपको चाहिए तो ये दिखेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। सेम उसी तरह ये स्लाइडर भी आप यहाँ से यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये भी इसको आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये पोर्शन आपको हाइड करना है तो आप इसको भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने स्क्रीन फाइनर की मदद से किस तरह इस इमेज को बिफोर इस तरह से थी और अभी आफ्टर ये। तो यहाँ से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके होने के बाद यहाँ पे प्रोग्रेस होगा और ये अलग से एक इमेज यहाँ पे बन के आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इस इमेज में हमने क्या किया कि ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया कि एक अलग से एक लेयर बन के आ गई और उसको अलग से मास्क भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसकी मदद से आप यहाँ पे जैसे आप इस स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वापिस स्क्रीन फाइनर में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये स्मार्ट फिल्टर का आपको इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज का एक स्लाइडर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। तो आपने जो भी इफेक्ट यहाँ पे दिया है वो सभी इफेक्ट यहाँ पे आप फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्ट बटन दबा के आपको इमेज बिफोर आफ्टर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज बिफोर और ये इमेज आफ्टर। तो दोस्तों इस तरह से आप स्क्रीन फाइनर की मदद से स्क्रीन रिटच कर सकते हैं और उसको साथ ही साथ उसको एनहेंस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।